हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए एक नहीं, आप बहुत कम टाइम में आज आपको मैं दो वीडियो लेके आई हूँ। एक साथ ही दो डिज़ाइन आपको सिखाऊंगी, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, और इतने आसान कि कोई भी देख के बना सकता है। तो वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा कमेंट करके। और आज मैं ये जो रिंग है ना, वो रिंग भी यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बिना इस रिंग के बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो वीडियो में है सरप्राइज रिंग, तो वीडियो देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं आज क्या आपको सिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जो रिंग है ना, बिना रिंग का ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम इस फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस धागे से आप रिंग भी बना सकते हो, धागे से रिंग बना सकते हो। क्या होता है कभी कभी कि हमारे जो साइज़ की हमें रिंग चाहिए वो रिंग हमें नहीं मिलती है, तो आज मैं आपको धागे से रिंग भी बनाना बताऊंगी, जो कि मोस्टली तोरण वगैरह में यूज होते हैं ना। छोटी वाली रिंग बहुत कम ही मार्केट में अवेलेबल होती है, मेरे यहाँ तो मिलती ही नहीं है, तो मैं यही वाला चीज़ यूज़ करती हूँ। तो आज आपके साथ वही वाला शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा धागा ले लिया है, और धागा लेने के बाद क्या करेंगे कि उसको आपस में हम लाइटर की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे लाइटर से, और उसके बाद दोनों धागे को आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे। मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स कोल्ड हो रखा है, इस वजह से थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो ये देखिए, मैंने आपस में इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद मेरा एक रिंग जैसा शेप आ गया है ना, एकदम बहुत अच्छा जैसा रिंग जैसा ही बना है। तो इस तरीके से आप बना करके किसी भी डिज़ाइन में, जैसे तोरण वगैरह का होता है ना, उसमें ये डिज़ाइन आप यूज कर सकते हो रिंग बना के छोटी वाली। तो ऐसे बस ज्वाइंट करके नहीं करना है, इसके आगे का स्टेप भी आपको करना है। तो ऐसे धागे को ज्वाइंट कर ले और गोल शेप दे दे रिंग के जितना। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो जिस साइज़ का आप गोल शेप बना रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे धागा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का धागा लिया है, क्योंकि मेरा जो राउंड शेप है थोड़ा सा इसका बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर का धागा लिया है। और एक मैंने बड़ा किया और एक मैंने छोटा किया, और जैसे हम रिंग में अटैच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस वाले में भी अटैच करना है धागे को। आप देख सकते हैं, जो कि ये धागा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये देखिए बिल्कुल वही वाली डिज़ाइन आई है ना, जैसे हम रिंग में अटैच करते हैं धागे को वैसे ही। तो ऐसे ही हमें अटैच कर लेना है, उसके बाद हमें आगे का डिज़ाइन करना है। तो जो हमने छोटी वाली धागे काटी थी ना, उससे पहले हम स्टिक कर देंगे। अगर ज़्यादा आपको नहीं बन रही है तो बड़ी धागा है या छोटी है जो भी है, तो उसको हम एक धागे को स्टिक कर देंगे, और एक वो उसके बाद जो एक धागा बचेगा ना, उससे हमें आगे का डिज़ाइन करना है। तो मैं वीडियो को जूम भी कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, जस्ट अब हमें क्या करना है कि जो नॉर्मली हम पाइपिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए मैंने एक धागे को लिया और जो राउंड शेप का रिंग बनाया है उसके ऊपर से मैंने धागे को डाला, और जो लूप बनी उसमें से हमने निकाल लेना है। फर्स्ट वाला स्टेप ये रिपीट करना है फर्स्ट, ये देखिए। तो हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हम उसी धागे को, पहले हमने ऊपर से किया था ना, अब हम नीचे से धागे को डालेंगे, और जो लूप बनेगा ना उस लूप में से धागे को निकाल लेंगे। तो ये स्टेप करने से क्या होता है ना, जो हमारा जो रिंग में जैसे हमने धागे को अटैच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वो डिज़ाइन बन के आती है। थोड़ा सा धागा का हमने राउंड शेप दिया है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस के साथ करें, बहुत अच्छी डिज़ाइन बन के आती है। तो मेरा यहाँ पे एक डिज़ाइन बन गया है, अब हम दूसरा वाला डिज़ाइन डालेंगे, और यही वाला स्टेप रिपीट करना है। और आगे जो भी मैंने आप जिस भी साइज़ का सर्कल बना के रेडी किया हो ना, उस साइज़ का सेम प्रोसेस कर लेना है। या तो आप पिन लगा लीजिए, या हाथों से बनती है तो हाथों में ही पकड़ के आप बना सकते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे वैसे आप बना लीजिए। वैसे मैं वीडियो शूट करने के लिए पिन लगा रही हूँ, बट मैं पिन लगा के नहीं की थी, इसका राउंड शेप जो है वो मैंने हाथों में पकड़ के ही किया था। हाथों में पकड़ने से थोड़ा सा इजी पड़ता है मुझे, तो हाथों से पकड़ के, आराम से बैठ के हाथों से पकड़ के मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। तो बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करना है, और पूरा राउंड में यही वाला डिज़ाइन बना लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेप करते हुए मैंने पूरा राउंड में कर लिया है। और आप देख सकते हैं जैसे हम रिंग को रैप करते हैं ना, वो वाली डिज़ाइन हमारी यहाँ पे बन के आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, और जब आपका धागा छोटा पड़ जाए तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो धागा है ना इसकी जो लंबाई आपको जितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम जो धागा है उसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और पीछे की साइड में हम इसको स्टिक कर देंगे। तो देखिए मेरा पीछे की साइड में हम इसको स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि कोई भी कलर का आप मोती यहाँ पे ले लें, मैं यहाँ पे रेड ले रही हूँ, तो मोती ले लेना है और इन धागे में हमें एक मोती को डाल देना है। ये देखिए, आप थोड़ी बड़ी वाली मोती यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, छोटी वाली मोती मटके शेप की यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मटके शेप की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिना रिंग के मैंने ये डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है। कभी किसी ने सोच भी नहीं सकते हो कि कोई देख के आपको ये कह ही नहीं सकता कि इसमें आपने रिंग यूज़ नहीं किया है। बिना रिंग के बहुत अच्छी डिज़ाइन हमारी एक तो बन के रेडी हो गई है। चलिए अब हम दूसरा भी आपको दिखा देते हैं डिज़ाइन बना करके इसी में। तो ये देखिए इस तरीके से हम मोती को अब निकाल लेंगे। आप फ्रेंड्स, आप चाहो तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हो, इसमें आपको रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धागा भी 2 से 3 मीटर में बन जाता है। और उसके बाद ये देखिए मैंने दोनों साइड का जो है मोती निकाल लिया है धागा कट करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का धागा ले लिया है। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हो, बट ये आप पैरेट है ना उसमें रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड लिया है। और ये भी रेड कलर का जो धागा है ये भी वेस्टेज धागा ही है, जो हमारे माइक्रो में से बच जाते हैं छोटे छोटे, उसमें से मैंने लिया है। अगर आपके ज़्यादा छोटे हैं तो ज्वाइंट कर लीजिएगा। और इसका भी मेजरमेंट बहुत छोटा है, क्या बताऊँ कितना मेजरमेंट है, आधे मीटर से भी कम है। तो बिल्कुल छोटा सा लेना है, मतलब फिंगर से लेके ना आपकी केवनी है ना उतना मेज़रमेंट हाथों से कर सकते हैं। मैं इंची टेप बहुत कम यूज करती हूँ। तो इस तरीके से रेड कलर का ले लेना है धागा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसी में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो धागा है पहले से, उसी में एक साइड में हम रेड ज्वाइंट करना है और एक साइड में हमें पैरेट कलर यानी कि सेम कलर धागा को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हो हमारी जो धागा है वो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो धागा है ना उसको हम घुमा लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए एम बना लेंगे, जैसे मेरा माइक्रम ममता नाम है ना, तो मेरा नाम आप लिख लीजिएगा माइक्रम धागे से। उसके बाद आगे की डिज़ाइन बन जाएगी। तो एम बनाने के बाद क्या करना है, ये देखिए जस्ट क्या करना है कि धागे को ना एक सिंपल सा बेसिक नॉट लगाना है, ठीक है। पहले यहाँ राइट साइड निकालेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड निकालेंगे। तो दोनों साइड निकालते हुए एक सिंपल सा बेसिक नॉट लगा लेंगे। तो देखा आपने, बहुत आसानी से हमने यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक नॉट लगा करके रेडी कर लिया। टोटल मैंने 5 नॉट यहाँ पे लगाए हैं।
और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आ रही है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उससे हमें दोनों साइड में कट कर देना है, और कट करने के बाद पीछे की साइड में स्टिक कर देना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखते रहें। आपका भी कोई रिक्वेस्ट है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये मेरा दूसरा डिज़ाइन भी बन करके रेडी हो गया है, और आप किसी को भी दिखाओगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसमें रिंग नहीं डाला हुआ है। तो बिना रिंग का ये डिज़ाइन नहीं बनता है, तो इसको हम आप की चैन में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक की चैन ले लिया है, और इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला नॉट था ना, उसमें हम की चैन को लगा लेंगे। या तो इसको आप साइड में लगाओ या बीच में लगाओ, आपको जहाँ पे इजी लगे ना वहाँ पे ये लगा सकते हो। तो थोड़ा सा नॉट जो है टाइटली बनाए थे, तो सीजर से होल कर लेंगे और उसके बाद रिंग को डाल लेंगे। तो देखिए, हमारा जो है चाबी रिंग का दो दो डिज़ाइन मैंने अभी आपको बताया। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये आइडिया आपको कैसी लगी, और इससे रिलेटिव कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।